नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में प्रदेश को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उससे 24 गुना ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश के लिए भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। उन्होंने कहा कि लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन रही है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका सफाया होना तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया, इन लोगों ने ना कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, ना उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब और पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। लेकिन हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, देश का गौरव है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी, ये मोदी की गारंटी है। 13 फरवरी को होने वाले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश के साथ लगती सीमा पर धारा 144 के तहत विशेष पाबंदियां लगाई हैं। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लोगों के जुटने पर पाबंदी रहेगी। प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएं, इसके लिए पुलिस को हर संभव कदम उठाने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि 13 फरवरी को कुछ किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च करने की अपील की है। वे अपनी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे सकते हैं। पहले हुए प्रदर्शनों में किसानों के व्यवहार और अड़ियल रवैये को देखें तो किसान या समर्थक अपने अपने जिलों से ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, हथियारों आदि के साथ आ सकते हैं। ऐसे में किसी तरह की अवांछित घटना को टालने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सावधानी बरतते हुए इलाके में जानमाल की सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत आदेश निकालना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 11 फरवरी 2024 से अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर उन्हें रोकने के लिए किए जा रहे इंतजामों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर पूछा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। उन्होंने पूछा कि किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी ना उठाने देना कैसी सरकार का लक्षण है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों के लिए ना एमएसपी का कानून बनाया गया और ना ही किसानों की आय दोगुनी हुई है। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। किसानों के दिल्ली कूच आह्वान को रोकने के लिए राजधानी में जगह जगह पर पत्थर के अवरोधक बनाए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो एक्स पर शेयर कर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के दिल्ली कूच से घबरा गई है, इसलिए उनकी राह रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने लिखा कि मोदी सरकार के अन्याय से परेशान किसान दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की भनक जैसे ही मोदी सरकार को लगी, किसानों के रास्ते पर कीले बिछा दी गईं, पत्थर से रास्ता रोक दिया गया। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया है। हमारे अन्नदाताओं के साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए, लेकिन अहंकार में चूर पीएम मोदी और उनकी सरकार किसानों को दुश्मन मान बैठी है। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर 3 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक अंबाला, कुरुक्षेत्र,
कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप रहेगी। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते और कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर को सील कर सीमेंट के ब्लॉक, बैरिकेड्स और कंटेनर रखे गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इन सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अभी सख्त पहरा है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजी हैं और अभी 15 कंपनियां और भी आ सकती हैं। दरअसल किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर संवैधानिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती, तब तक 13 फरवरी को होने वाले आंदोलन किसी हालत में नहीं रुकेगा। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज रविवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। आचार्य ने कहा कि पार्टी से निकाले जाने की खबर उन्हें न्यूज चैनलों के माध्यम से मिली और वे कांग्रेस नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कई सवाल करते हुए कहा कि मैं वेणुगोपाल या खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। आचार्य ने पूछा कि क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है, क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है, क्या श्री कल्की धाम शिलान्यास करवाना पार्टी विरोधी है, क्या श्री कल्की धाम शिलान्यास करवाना पार्टी विरोधी है, क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370, 3 तलाक, डीएम के नेता की सनातन पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के रुख से मैं सहमत नहीं था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं और उसी तरह प्रियंका गांधी जी की भी बहुत तोहीन हो रही है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने यह नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी के सामने लिखा गया। उनके आगे लिखा गया प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं और आप कोई काम नहीं करेंगी। आचार्य ने कहा कि आप पूछिए कि राहुल गांधी की 1.5 महीने से यात्रा चल रही है, आप उसमें क्यों नहीं जा रही। सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है ये किसके इशारे पर हो रहा है। प्रमोद कृष्णम ने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की विचारधारा से सहमत ना होने के बावजूद पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का काम किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सहकर मैं कांग्रेस में क्यों हूं, लेकिन राजीव गांधी जी को दिया वचन मेरे आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के 3 दिन बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के सारे नतीजे घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ताज़ा नतीजों में स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 101 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीबीसी उर्दू के मुताबिक इनमें 93 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों की हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खाते में 75 सीटें आई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के खाते में 17 सीटें आई हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांतों के असेंबली चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से 297 सीटों वाली पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सबसे अधिक 137 सीटें मिली हैं। वहीं 138 उम्मीदवारों ने स्वतंत्र जीत हासिल की है, लेकिन इसमें सभी तहरीक इंसाफ समर्थित नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं 28 सीटों के साथ एमक्यूएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंबली में पीटीआई समर्थित उम्मीदवार सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। 115 सीटों वाले सदन में उन्हें 90 सीटें हासिल हुई हैं। यहां 7 सीटों के साथ जमीयत उलेमाए इस्लाम दूसरे और 5 सीटों के साथ पीएमएलएन तीसरे नंबर की पार्टी रही। वहीं बलूचिस्तान असेंबली की 51 सीटों में से 50 के नतीजे घोषित हो गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलेमाए इस्लाम को 11 सीटें मिली हैं।
जबकि पीएमएलएन ने 10 सीटें जीती हैं। इसमें 6 स्वतंत्र उम्मीदवार भी जीते हैं। बाकी बलूचिस्तान आवामी मोर्चा को 4 सीटें और नेशनल पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि आप इतने ज्यादा बेचैन क्यों हैं? आपके राजनीतिक तर्कश में पहले से ही प्रभु राम और ईवीएम हैं। आपके पीछे इतने मजबूत मुद्दे हैं, फिर आपको 2024 का संसदीय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने का साहस दिखाना चाहिए। विदेशों में मौजूद संदिग्ध संगठनों के सर्वे के मुताबिक आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर रेटिंग है, पुतिन, बाइडेन और शी जिनपिंग से भी ऊपर। फिर आपको किस बात का डर है? आपको आगे आकर 2024 के चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने का ऐलान करना चाहिए। अब तो पाकिस्तान ने भी ऐसा कर दिया है। बिहार में कल 12 फरवरी को नीतीश कुमार सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। वहीं इससे पहले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की है कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं। इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे और वो भी साथ रहेंगे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि फ्लोर टेस्ट में 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे तक सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनानी है, और ये NDA की जो सरकार बनी है इसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। जो खेला शुरू किया गया है उसका अंत होगा, खेल अभी बहुत बाकी है। कल पता चल जाएगा ये सरकार केवल 24 घंटे की मेहमान है। तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन लालटेन, ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है, क्योंकि लालटेन प्रकाश का प्रतीक है और गरीबों का बल है। उन्होंने कहा कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये पर्दे के पीछे रहने दीजिए, लेकिन कल कुछ पड़ा होगा। हम लोग दर्शक बनकर नहीं देख सकते, कल के खेल का रोमांच पड़ा होगा। इस रोमांचक खेल में जो अंतिम गेंद में छक्का मारेगा वो विजय होगा। नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होने के दावा करने वाले लोगों को JDU नेता ने जवाब दिया है। JDU नेता नीरज कुमार ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस वालों को तो तेलंगाना पहुंचा दिया, तेलंगाना पहुंचाने की क्या जरूरत थी? पास में ही कांग्रेस शासित प्रदेश झारखंड है, वहां के महादेव से क्या मन नहीं भर रहा है? गांव-गांव डगर-डगर घुमा रहे हैं इन विधायकों को, ये लोग क्षेत्र में अलोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, RJD को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, जबकि खेला होने का दावा किया है। कल के फ्लोर टेस्ट में असफल होंगे तो हम समझते हैं कि वैसे नेताओं को नैतिक आधार पर विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।